हेलो दोस्तों, आज मुझे मेरी दादी और नानी के हाथों का स्वाद याद आ गया। ये मेरे कुछ आलू हैं, छोटे और बड़े, मैंने दिखाने के लिए लिए हैं। ये देखिए, इनकी कटिंग करेंगे अच्छे से। छोटे बड़े आप लोग अपने मन पसंद कर सकते हैं, गोल शेप में भी कर सकते हैं। ऐसे सारे काट लेंगे एक एक करके। अब ये छोटे आलू लेंगे, इसे भी कटिंग करेंगे। ये कटिंग करके रेडी है मेरे आलू। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, भुनी हुई धनिया है दरदरी टाइप में, इसे ऐड करेंगे। और ऐड करेंगे इसमें, ये देखिए लाल मिर्च पाउडर है, ये भी दरदरा टाइप में, कश्मीरी लाल मिर्च है, इसे भी ऐड करेंगे। और ऐड करेंगे थोड़े से और मसाले, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, ऐसे। और ऐड करेंगे इसमें, ऐड करेंगे पिसा हुआ नमक। इसमें सारी चीज़ें ऐड हैं, सारे मसाले। और ऐड करेंगे प्याज, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से, ऐसे ऐड करेंगे। ये भाई मेरा छिरका है, इसे भी ऐड करेंगे। और ऐड करेंगे ग्रीन चिली, आप लोगों को तीखा जैसा पसंद है वैसा ऐड कर लीजिएगा। और ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नींबू, लेमन। ये देखिए, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप लोग थोड़ा और विनेगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए, ये मेरा काला नमक है, ये भी ऐड करेंगे। थोड़ी सी ऐड करेंगे भुजिया नमकीन, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसकी प्लेटिंग करेंगे। एक प्लेट लेंगे ऐसे, एक स्पून की मदद से सारे इस पर प्लेटिंग कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये देखिए भाई, बहुत अच्छा नाश्ता बन के रेडी है। आप लोगों को नाम बताते हैं, इसे हम नाम देते हैं आलू कचालू। भाई कचालू किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज। मेरी दादी नानी बनाती थी, मुझे तो बहुत भाई पसंद है, मुझसे तो रहा नहीं जाता है देख के ही। ये देखिए, आप लोगों को कम लग रहे मसाले तो आप लोग और ऐड कर लीजिएगा थोड़े से। थोड़ा सा और नींबू ऐड करेंगे, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आए। आप लोग आइए और इन्जॉय कीजिए, अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा प्लीज़। और अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ इन्जॉय कीजिएगा, बहुत यमी है, बहुत सच में यार बहुत टेस्टी बनता है आलू कचालू। अगर आपको हल्का और तीखा खाने का मन करे तो आप लोग आलू कचालू ज़रूर बनाइएगा। हमेशा की तरह सिर्फ 3 चीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।